चलिए हम लोग आज की क्लास में चलते हैं बेसिक ग्राफ की तरफ। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में जान लिया, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है ये जान लिया, स्ट्रेट लाइन पर कुछ प्रॉब्लम्स कर ली, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बेसिक ग्राफ्स के बारे में, स्टार्ट करेंगे। और ग्राफ का पोर्शन थोड़ा सा लेंदी है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें उसमें जाननी पड़ेंगी बेसिक ग्राफ से लेकर के, मतलब आप ये मान लो कि तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के ग्राफ्स भी जानने पड़ेंगे, और साथ ही में फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को कैसे हम ग्राफ में इंक्लूड करते हैं हम उसे समझेंगे, ठीक है ना। ओके, जैसे सपोज कर लो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, जैसे बहुत सिंपल प्रॉब्लम मैंने ली, लेट्स अज्यूम कि मेरे को ये बोला गया है कि आपने बहुत बेसिक इक्वेशन पढ़ी होगी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पढ़िए सभी ने पढ़ी होगी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और इसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ए इज व्हाट एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम काइनेमेटिक्स में डिटेल में समझेंगे, बट बेसिकली अभी अभी ए एक्सेलरेशन है और वो मान लीजिए कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। और यू क्या होती है, यहाँ पर यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या होता है टाइम, टी क्या होता है टाइम, और वी क्या होता है वेलोसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी। मेरे को जैसे कहा जाएगी एक रिलेशन है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी टाइम टी के साथ बदल रही है, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ओके फिक्स है, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड कुछ भी है बट वो फिक्स है। ओके, द इनिशियल वेलोसिटी यू इज गिवेन एज अ कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, वेलोसिटी वी इज एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी वी किसी टाइम टी पर है, और एक्सेलरेशन ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, अब अगर ये सोचे हम कि ये रिलेशन मुझे दिया है और मुझसे कहा जाए कि इस रिलेशन को क्या करना है, प्लॉट करना है, क्या करना है प्लॉट करना है, मतलब कहने का ये है प्लॉट करना है, इट मींस टू से वीटी कर्व प्लॉट करना है, सपोज वीटी कर्व, मुझे वी और टी के बीच में ग्राफ खींचना है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या खींचना है ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। ओके, लेट्स अज्यूम ये मेरे पास वेलोसिटी हो गई और ये मेरे पास क्या हो गया टाइम टी हो गया, ठीक है ना। ओके, ये वेलोसिटी हो गई और ये मेरे पास में क्या हो गया टाइम टी हो गया, ठीक है। और मुझे वीटी कर्व के बीच में, वीटी कर्व मुझे प्लॉट करना है, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। इट्स नॉट इजी गोइंग, बट अगर आपने लास्ट की क्लासेस अभी तक करी हैं प्रॉपरली तो आपके लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा ये। ओके, मुझे प्लॉट करना था, दिस इज माई क्वेश्चन, ठीक, वेलोसिटी मैंने इधर ले ली और टाइम मैंने इधर ले लिया इस एक्सिस पर, तो मैं कैसे प्लॉट करूं, हाउ आई विल प्लॉट, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अगर मैं सिंपली सोचूं कि क्या ये रिलेशन किस तरह का है, वी और टी के रिलेशन को देखें, यहां पर इस इक्वेशन वाइज ये रिलेशन गिवन है, दिस रिलेशन इज व्हाट ऑलरेडी गिवन, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए भाई सोचते हैं कैसे प्लॉट करें। तो ऐसा प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे वेलोसिटी को मैंने वाई एक्सिस पर लिया तो थोड़ी देर के लिए मैं वी को वाई के इक्विवेलेंट मान ले रहा हूं, ठीक है ना। ओके, वेलोसिटी को मैंने वाई के इक्विवेलेंट मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ओके, और जो मेरा टाइम टी है उसको मैं एक्स के इक्विवेलेंट मान लूं, ठीक। अगर मैं एक्स के इक्विवेलेंट मानता हूं क्या इक्वेशन आती है मेरे पास में, वाई इक्वल्स टू यू प्लस ए एक्स। अगर ध्यान से देखें आप, ये कांस्टेंट है और ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या कोई ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा अभी तक जो इस टाइप का हो, अगर ध्यान से देखें तो क्या मैं इस रिलेशन को वाई को एमएक्स प्लस सी टाइप का लिख सकता हूं, इसको मैं पहले लिख लूं, जहां पे m मेरे लिए कांस्टेंट स्लोप हो जाएगी, ओके, और c मेरे लिए y एक्सिस का क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही v इक्वल्स टू u प्लस at में इसको ऐसे सोच लें हम, v इक्वल्स टू at प्लस u, तो ये तो x का रोल प्ले कर रहा है, ये y का रोल प्ले कर रहा है, ये m स्लोप कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन, एंड c इज व्हाट इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस प्लस y एक्सिस। और ये होती क्या है, ये होती है स्ट्रेट लाइन,
क्योंकि y cos mx plus c is what? A linear relation. कैसा relation है? एक linear relation है, तो एक straight line. Straight line कैसी आती थी y equal to mx plus c? बच्चों याद हो आप लोगों को, कुछ ऐसी आती थी जिसमें ये c intercept होता था. लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में ही आप देख सकते हैं. ओके okay? ये y axis और ये आपका x axis. ओके okay? और इसकी slope m होती थी, मतलब अगर ये angle theta है तो यहां से tan theta क्या होता था अपने पास में? m होता था. ठीक है, ओके. तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं, then I can plot in this way, yes or no? अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन रिलेशन. ठीक है भाई, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया. तो ये कितना होगा मेरे पास में, ध्यान से सोचें, ये कितना होगा? ये होगा मेरे पास में, कितना होगा ये? ये होगा मेरे पास में कितना? इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस मतलब वी एक्सिस पर इंटरसेप्ट. वो क्या होगा? यही तो होता था, सी होता था ना. तो यहां पर कितना होगा? यू. मतलब ये इंटरसेप्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? यू हो गई. क्या हो गई? यू हो गई. और अगर मेरे से बोला जाए ये एंगल सर क्या है, तो मैं अगर ये एंगल थीटा बोलूंगा तो टेन थीटा मेरे पास में क्या होगा? टेन थीटा मेरे पास में क्या होगा? ए. क्या होगा? ए. ए मतलब यहां पर, यहां के अकॉर्डिंग क्या? एक्सेलरेशन. बहुत बेसिक बात है, हालांकि आप लोग काइनेमेटिक्स में इस बात को भी पढ़ेंगे कि वीटी कर्व में अगर ध्यान से देखें तो ये वीटी कर्व है. क्या? कौन सा कर्व हुआ? वीटी कर्व में जो स्लोप आती है, स्लोप का मतलब आप सब लोग जानते हैं, स्लोप स्ट्रेट लाइन की मैंने बात कर रखी है. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन है वीटी कर्व, तो उसकी अगर स्लोप की मैं बात कर रहा हूं तो वीटी कर्व में जो स्लोप आएगी वो क्या होगी? दैट इज एक्सेलरेशन. क्या होती है? एक्सेलरेशन. और आपने डेरिवेटिव में भी ये चीज पढ़ी, आपने डेरिवेटिव में पढ़ा, डिफरेंशिएशन में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ए इज व्हाट? डीवी बाय डीटी. जब आप वी के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट व्हाट? एक्सेलरेशन. ओके, सो सिंपली इट इज द स्लोप ऑफ वीटी कर्व. क्योंकि डिफरेंशिएशन का एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि दैट इज व्हाट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट और आइदर द स्लोप ऑफ द कर्व. सो ये तो बात हो गई इस छोटे से प्रॉब्लम की. इस तरह से हमें, ये तो एक लीनियर रिलेशन था स्ट्रेट लाइन का, जिसे कि हमने क्या कर लिया? प्लॉट कर लिया. ठीक है ना, वापस हम समझ सकते हैं. हमसे कहा क्या गया था क्वेश्चन में? कहा था वी कॉस यू प्लस एटी का को प्लॉट करो. क्या करो? प्लॉट करो. ए क्या है? एक्सेलरेशन है. यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. टी क्या है? टाइम है. वी क्या है? वेलोसिटी एट एनी टाइम है. तो मैंने कहा मुझे वी टी प्लॉट करना है, तो यहां वी वैरी कर रहा है, टी वैरी कर रहा है. एक एक्सिस पर मैंने वी ले लिया, एक एक्सिस पर मैंने टी ले लिया. वी ने रिप्लेस किया वाई को, टी ने रिप्लेस किया एक्स को. अगर हम सोचें तो हमने वी को वाई के इक्विवेलेंट सोचा, टी को एक्स के इक्विवेलेंट सोचा, तो ये वाई को से यू प्लस एक्स टाइप का बन गया. मतलब बेसिक जेनरिक अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल वे में, तो वाई कोस टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म आ गई. कौन सी फॉर्म आ गई बच्चों? वाई कोस टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट आ गई. और ये वाई कोस टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट आने के बाद, चूंकि हम जानते हैं वाई कोस टू एम एक्स प्लस सी कैसे प्लॉट होता है, वैसे प्लॉट होता है. ठीक है ना, तो अगर y को mx plus c ऐसे प्लॉट होता है, तो हमने कहा कि ये भी ऐसे प्लॉट हो जाएगा. बस y की जगह v पर इंटरसेप्ट आ जाएगा. और कितना इंटरसेप्ट आएगा? जो कि यहां प्लस में है, c के जो c का रोल प्ले कर रहा है वो u है, तो ये इंटरसेप्ट आ गया u. और ये क्या है? टाइम t पर स्ट्रेट लाइन आ गई. ठीक है, अब इसको आप चेक भी कर सकते हो. u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 पर. तो यहां पे टाइम t क्या होगा? 0 ही तो होगा. उस पर वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी? यू होगी. तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो मुझे, तो एक्स में ये क्या है? जीरो. और वाई में ये क्या है? एक्स के अकॉर्डिंग जीरो और वाई के अकॉर्डिंग ये क्या है? यू. ठीक है ना, और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा? ठीक, ये कोई फिक्स टाइम होगा जहां पर, यहां पर वेलोसिटी क्या हुई होगी? जीरो. ओके ठीक है, ये वो टाइम है जहां पर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर क्या है? जीरो. तो अगर मैं इस टाइम को निकालना चाहूं कि ये टाइम कौन सा है, तो मैं ये टाइम के बारे में भी एनालिसिस कर सकता हूं. ये वो टाइम है जहां पर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. तो मैं वेलोसिटी को अगर जीरो रखूं, यहां पर वेलोसिटी को अगर मैं फाइनली जीरो रखता हूं किसी टाइम टी पर, तो यू प्लस ए टी, देन व्हाट इज दैट टाइम? इज व्हाट? माइनस यू बाय ए. ओके, अब वो डिपेंड करता है कि ये स्ट्रेट लाइन किस तरह से ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, वो मैटर करता है. दैट डिपेंड्स ऑन, मैंने जनरल साइन ले लिया, जनरल कन्वेंशन लेकर के प्लॉट कर दी. ठीक है, ठीक. लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि आपको बोला जा सकता है कि एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ठीक है,
u इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये सब जैसे मैं c पॉजिटिव होता था तो ऊपर लेता था, c नेगेटिव होता तो इंटरसेप्ट किधर लेता था, नीचे लेता था, ठीक। वैसे ही अगर यहाँ बोलेगा u पॉजिटिव तो मैंने इंटरसेप्ट ऊपर ले लिया, अदरवाइज वो किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने कुछ भी दिया नहीं है, बट प्रॉब्लम्स में आपको कंडीशंस दी जा सकती हैं, मैंने डीपीपी में प्रॉब्लम डाली है इसकी। ओके, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, अप टू अ सर्टेन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें अलग अलग कंडीशंस बन सकती हैं कि एक्सेलरेशन के साथ में वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, वेलोसिटी के साथ में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम छोटी सी लेते हैं, उससे पहले हम दो तीन बेसिक बातें और जान लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास में सिंपली कहा जाए कि मेरे को प्लॉटिंग करनी है इस कर्व की, इसका शेप क्या होगा, y cos to x square। अब एक्चुअल में ये लीनियर रिलेशन नहीं है, सो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, ये कोई कर्व रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इस नेचर में जहां पे x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, या y की पावर 2 है और x की पावर क्या है 1 है, ऐसी सिचुएशंस के जो इस तरह के जो कर्व होते हैं इनको कहा जाता है पैराबोलिक, पैराबोलिक रिलेशन। क्या कहा जाता है, पैराबोलिक रिलेशन। तो पैराबोलिक रिलेशंस की बात करें, यहां पर ये पैराबोलिक रिलेशन है। ओके, ये क्या जनरेट करेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो सिंपली इस कर्व को आप ध्यान रख सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू, ये किस कर्व की शेप है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें भी हमें और भी कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है। जैसे मान लो ऐसा कर्व हो जाता, मैं बोलता वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टाइप का, तो ये भी पैराबोला ही होता। तो वो पैराबोला के लिए आप सिंपली समझ लो, पैराबोला में होता क्या है, पैराबोला को अगर पहचानना है, ये शेप पैराबोलिक है तो क्या होगा, अगर एक्स लीनियर है, अगर क्या लीनियर है, एक्स लीनियर है तो वाई क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है ना, या फिर y लीनियर है तो x क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। दोनों ही कंडीशन में पैराबोला बनेंगे, बस अलग अलग तरह के। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और अगर बोले y स्क्वायर इक्वल्स टू x बनाना है, ठीक है, तो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, ये y एक्सिस और ये आपका कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, ये आपका पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू x का, किसका, y square equals to x का। इस पैराबोला में खास बात है, यहां पर ओरिजिन है, इस पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये क्या कहलाती है, वर्टेक्स कहलाती है पैराबोला की, ठीक है। और भी तरह के पैराबोलाज होते हैं, वन बाय वन हम लोग समझते चलेंगे। बेसिकली अभी हमने दो तरह के, दो वैरायटी देखी पैराबोला में, y equals to x square and y square equals to x, ठीक। अब ऐसे भी पैराबोलास आ सकते हैं जिनमें वर्टेक्स कोई जरूरी नहीं है, जीरो जीरो हो, वो कुछ और भी हो सकती है। अब उसको समझने के लिए हमें ग्राफ की शिफ्टिंग को समझना पड़ेगा बच्चों, क्या समझना पड़ेगा, ग्राफ की शिफ्टिंग को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कि अगर कोई पर्टिकुलर ग्राफ बना लिया मैंने, अब उस ग्राफ को मैं शिफ्ट कैसे करूं, शिफ्टिंग के लिए कुछ सर्टेन टेक्निक्स, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अभी जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक पैराबोला है मेरे पास में, ये तो सर ओरिजिन था, लेकिन ये इस पैराबोला में सर वर्टेक्स जीरो जीरो तो है नहीं, इसमें मान लेते हैं ये कुछ वर्टेक्स है, मैंने इसे अल्फा कोमा बीटा बोल दिया इसको, हालांकि आप लोग जानते हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पर पॉइंट है, वो इधर उधर भी हो सकता है, तो मैंने इन जनरल बोल दिया अल्फा कोमा बीटा। तो अब मैं कैसे रिप्लेस करूं, कैसे पहचानूं कि इसकी इक्वेशन कैसी होगी, भाई सिंपली मुझे तो अभी एक बार एक इक्वेशन बता दी, हालांकि 99% केसेस में तो यही यूज हो जाएगी, या अदरवाइज यही यूज हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, बट फिजिक्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मैं आपको नेक्स्ट वाले डीपीपी में दूंगा, अभी इस डीपीपी में मैंने थोड़ी हल्की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दी हैं, वहां पर इस टाइप के
पैराबोलास भी यूज हो जाएंगे कि जिसमें वर्टेक्स कुछ और, वर्टेक्स का मतलब एक फिक्स पॉइंट है, वर्टेक्स पे कॉर्नर पॉइंट होता है एज होता है वर्टेक्स, जैसे ट्रायंगल में वर्टेक्स बोल रहे थे वैसे ही पैराबोला की भी क्या होती है, एक वर्टेक्स होती है। तो अब हमने ये बेसिक दो पैराबोला तो पहचान लिए, हम जान भी गए और ये भी जान गए कि अगर एक्स लीनियर है वाई क्वाड्रेटिक है तो भी ये क्या है, पैराबोला है, और वाई लीनियर है एक्स क्वाड्रेटिक है तो भी क्या है, पैराबोला। बस दो वेरिएबल एक्स और वाई में एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बच्चों, लीनियर होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब हम ऐसे पैराबोला को कैसे पहचाने जिसमें वर्टेक्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास तक रुकना पड़ेगा। ओके बच्चों।